दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आज मेरा जो भी लाइव ट्रेड रहेगा वो लाइव ट्रेड का रिजल्ट प्रॉपर लॉजिक के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। दोस्तों, अभी मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट अभी ऐसे मूव कर रहा है और इसी ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट कंटिन्यूअसली कल 130 से ट्रेड कर रहा है। और देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास मार्केट पे एक सपोर्ट भी बन रहा है, तो मार्केट आज जो ओपन हुआ है ये इसी सपोर्ट लेवल के आसपास ही ओपन हुआ है। तो देखिए, इसी लेवल के आसपास मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, मेजर चांस है मार्केट आज थोड़ा सा बुलिश रहेगा और एक साइडवेज मूवमेंट देके क्लोजिंग देगा। और देखिए दोस्तों, जनरली एक्सपायरी पे मार्केट कैसे मूव करता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्सपायरी पे मार्केट जनरली एक स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म करता है। तो देखिए, बेसिकली इसी टाइप का पैटर्न मार्केट फॉर्म करता है, मतलब ऐसे एक कैंडल रहता है और उसका दो साइड पे उसका शैडो रहता है, मतलब टेल रहता है। और ये जो टेल है ये लगभग सेम सेप टाइप का टेल बनाता है, तो मेजर चांस रहेगा मार्केट आज इस टाइप का पैटर्न फॉर्म करेगा, नहीं तो थोड़ा सा बुलिश पैटर्न फॉर्म करके थोड़ा ऊपर जाके ये लेवल के आसपास 9900 9925 लेवल के आसपास जाके क्लोजिंग देगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये लेवल के आसपास पोजीशन बना लिया है और मैंने ग्रुप पे भी अपडेट कर लिया है। तो चलिए एक बार मैंने आपको मेरी पोजीशन भी शो कर देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको काफी सारे पोजीशन दिखेगा, लेकिन देखिए ये सारे नॉर्मल पोजीशन था, मतलब मैंने कल पोजीशन बनाया था और ये पोजीशन को मैंने जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उसको बुक करके निकल गया है। और दो पोजीशन अभी मेरा ओपन है। ये जो पहला पोजीशन है ये सिल्वर का पोजीशन है जो कि कमोडिटी मार्केट पे है, आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए, जो सेकेंड पोजीशन है ये मैंने आज इंट्राडे पे सेल किया है, तो मैंने 9700 का पुट को सेल किया है। पुट को सेल करने का मतलब ये है, मेरा आज जो व्यू है कि मार्केट आज 9700 से ऊपर ही क्लोजिंग देने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट 9700 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देखिए, मैंने 975 क्वांटिटी सेल किया है और ये 8.85 लेवल के आसपास ये मैंने सेल किया है। तो मैंने आपको शेयर कर देता हूं, अगर ये प्रीमियम जीरो होता है तो हमको कितना मुनाफा मिलेगा। देखिए, 975 इंटू 8.85, अब 10 पैसा छोड़ दीजिए 75 अगर आप देखोगे तो। देखिए दोस्तों, नेट नेट 8500 के आसपास आराम से प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम मार्केट में एंड तक वेट करेंगे। देखिए, हमको कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मेजर चांस से मार्केट आज थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिखा के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। और अगर मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होता है, देखिए दोस्तों, जब तक मार्केट 9700 से ऊपर है, मैंने आपको 9700 का लेवल बता देता हूँ। देखिए ये लेवल, जब तक मार्केट ये 9700 लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग देता है हम तब तक सेफ है। और देखिए, मेजर चांस है मार्केट इसी के ऊपर ही क्लोजिंग देगा, क्योंकि ये लेवल के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है। उसके बाद भी देखिए जो सपोर्ट आ रहा है ये लेवल के आसपास, मतलब ये 9830 लेवल के आसपास उसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है। उसके बाद देखिए जो सपोर्ट आ रहा है 9750 लेवल के आसपास, और देखिए इसके बाद भी जो सपोर्ट आ रहा है 9700 लेवल के आसपास। तो जनरली एक्सपायरी पे इतना बड़ा मूव आता नहीं है, तो मेजर चांस है मार्केट इसी लेवल से थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिखा के ये लेवल के आसपास क्लोजिंग देगा। तो चलिए दोस्तों, हम एक बार ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी जान लेते हैं कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से अभी किसी लेवल के आसपास हमको स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल का इंडिकेशन मिल रहा है। दोस्तों, मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए एनएसई इंडिया का साइट को ओपन कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, लाइव मार्केट के अंदर ये जो इक्विटी डेरिवेटिव है मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो देखिए, मार्केट अभी 9875 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे जो आर्ट द मनी के हिसाब से आएगा वो बेसिकली 9850 या 9900, आप ये दोनों लेवल को ले सकते हो। तो देखिए, दोनों लेवल के हिसाब से 9850 लेवल पे ये पुट साइड पे 5,32,500 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हो चुका है और ये कॉल साइड पे 6,76,350 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुआ है। तो देखिए, ऑलमोस्ट ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम सेम लेवल के आसपास आ रहा है। तो 9850 लेवल के आसपास हमको कुछ उतना पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कैसे मूव करेगा।
लेकिन 9,800 लेवल के आसपास 12,67,875 कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप हुआ है। और देखिए 9,800 लेवल के आसपास सिर्फ 5,12,700 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे बिल्डअप हुआ है। तो बहुत ट्रेडर ये मानते हैं कि मार्केट 9,800 लेवल से ऊपर ही रहेगा। और देखिए 9,800 लेवल पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप पुट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम ट्रेडर पुट साइड पे राइट कर रहे हैं और इनका व्यू ये है कि मार्केट 9,800 से आज ऊपर की तरफ रहेगा। लेकिन अगर आप 9,900 को देखोगे, देखिए 9,900 लेवल पे इसका रिवर्स ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 9,900 लेवल पे कॉल साइड पे देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, 12,87,675 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, लेकिन पुट साइड पे सिर्फ 1,36,725 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो बहुत ट्रेडर ये भी मानते हैं कि मार्केट भले ही 9,800 लेवल से ऊपर रहे, लेकिन 9,900 लेवल से आज नीचे ही रहेगा। इसीलिए देखिए 9,900 लेवल पे कितना स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। तो मेजर चांस रहेगा आज मार्केट 9,800 से लेकर 9,900 रेंज के अंदर ही मूव करने वाला है। तो देखिए ये जो रेंज मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से ये जो रेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है, बेसिकली ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट मूवमेंट करने के लिए हमको सिग्नल मिल रहा है। तो देखते हैं हम प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करके जाएंगे। और देखिए दोस्तों हमको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा और हमको एक अच्छा खासा डिसेंट इनकम मिल जाएगा। तो मैंने मार्केट को ट्रैक करके जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको इससे लाइव मार्केट पे ट्रेड करना है, आपको अगर सीखना है, तो आप हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इससे ऑप्शन राइटिंग पे डायरेक्ट कॉल लेके काम करना है, तो आप हमारी ऑप्शन राइटिंग ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स पे शेयर करूंगा। देखिए इसी लेवल के आसपास मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर ये लेवल को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा तो हो सके मार्केट 9,950 लेवल के आसपास आ जाए, लेकिन ये लेवल के आसपास हमको देखना है, क्योंकि देखिए इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। तो ये लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल जैसा बिहेव करने वाला है। और देखिए 9,900 लेवल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का लेवल है, और मैंने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी आपको बताया था, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से भी ये लेवल के आसपास स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुआ है। इसीलिए देखते हैं ये लेवल से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट का जो ट्रेंड होगा ये ट्रेंड पूरा बुलिशनेस पे कन्वर्ट हो जाएगा और मेजर चांस रहेगा मार्केट इसी लेवल से 50 से 80 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ आ जाए। दोस्तों मार्केट अभी 9,900 लेवल से ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके जान लेते हैं कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से अभी किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। दोस्तों मैंने स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, तो देखिए 9,900 का लेवल अभी एट द मनी पे आ रहा है। तो देखिए 9,900 लेवल के आसपास दोनों साइड पे आपको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों साइड पे राइटिंग देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जो पुट का राइटिंग हुआ है 12,600 कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड पे ऐड हुआ है और कॉल साइड पे 18,60,750 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो ये ऑप्शन चेन का डाटा के हिसाब से मेजर चांस ये रहेगा मार्केट इसी 9,900 लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देने वाला है, क्योंकि देखिए 9,850 के आसपास देखिए 12,92,550 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो ये लेवल के आसपास देखिए कितना कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे 9,800 लेवल के आसपास 30,10,125 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो स्ट्रांग सपोर्ट इसी 9,900 से लेकर 9,800 रेंज के आसपास आ रहा है, इसके बाद भी आपको अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कॉल राइटिंग की बात करोगे तो देखिए 9,900 लेवल के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहा है और इसके बाद भी देखिए जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल है 10,000 लेवल के आसपास आ रहा है, क्योंकि 29,63,700 कॉन्ट्रैक्ट ये 10,000 लेवल के आसपास आ हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों लेवल के आसपास आपको अच्छा खासा बिल्डअप देखने के लिए मिलेगा। तो ये 9,900 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है, तो ये लेवल के आसपास हमको देखना है कि मार्केट इसी लेवल से ऊपर क्लोजिंग देता है या नीचे क्लोजिंग देता है, क्योंकि ये लेवल के आसपास दोनों साइड पे कॉल और पुट दोनों साइड पे हमको पोजीशन देखने के लिए मिलेगा। तो मेजर चांस रहेगा मार्केट एक रेंज के अंदर आज मूव करेगा।
देखिए दोस्तों, अभी मार्केट 9,950 लेवल से ऊपर आके ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों, हम जो लेवल पे सेल किए हैं, हम 9,700 का पुट को सेल किए हैं। तो देखिए, आज मार्केट 9,700 लेवल के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 9,700 का लेवल ये लेवल से लगभग 250 पॉइंट नीचे की तरफ है, जो कि मार्केट इतना तेजी से नीचे आने के लिए कोई भी सिग्नल हमको शो नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके भी बता देता हूँ कि अभी मार्केट के लिए किसी लेवल के आसपास सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस का लेवल शो कर रहा है। मैंने एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ये पेज को। तो देखिए, मार्केट अभी 9,950 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 9,950 लेवल देखिए हमारी एट द मनी हो गया। तो इसी लेवल से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो दोस्तों 9,950 लेवल के आसपास 13,41,525 कॉन्ट्रैक्ट राइट हो चुका है पुट का साइड पे। अगर आप कॉल का साइड को देखोगे, 12,51,900 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे बिल्डअप हो चुका है। तो दोस्तों, ये लेवल के आसपास लगभग सेम सेम कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। लेकिन देखिए, 9,900 लेवल पे 34,32,825 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव करने वाला है। और देखिए, 9,900 लेवल पे सिर्फ 84,525 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड पे राइट हुआ है। तो ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडर का ये मानना है कि 9,900 लेवल से आज मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। और देखिए, अगर आप 9,950 लेवल से 9,700 लेवल के आसपास देखोगे तो दोस्तों, ये 200-250 पॉइंट के अंदर कितना ज्यादा पुट का राइटिंग हुआ है। तो इसीलिए ये सारे लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव करेगा। और देखिए दोस्तों, आज मार्केट इसी लेवल से नीचे जाने के लिए कोई भी सिग्नल हमको नहीं दिखा रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, देखिए 10,000 लेवल के आसपास 29,07,150 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ है। और देखिए 10,050 लेवल के आसपास 21,93,900 कॉन्ट्रैक्ट का बिल्डअप हुआ है। तो इसीलिए 10,000, 10,050 और 10,100 आज के लिए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बनेगा, और 9,900 से लेकर 9,700 तक हमारे लिए सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्केट 9,972 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये 9,900 लेवल से 72 पॉइंट ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। इसीलिए मेजर चांस से मार्केट आज ऊपर लेवल पे क्लोजिंग देने वाला है। तो चलिए, मैंने एक बार मेरी पोजीशन शो कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो पोजीशन लिए थे, ये पोजीशन के हिसाब से अभी प्रीमियम 55 पैसा हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो 55 पैसा है ये जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको सुबह बताया था, नेट नेट जो प्रॉफिट आएगा 8,530 लेवल के आसपास हमको आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जीरो होने तक हम वेट करेंगे। तो देखिए, अभी अगर आप टाइमिंग को देखोगे, 12:45-47 चल रहा है, और भी 2-2.5 घंटा बचा है। तो देखिए, 2-2.5 घंटा बचा है और ये प्रीमियम से 50 पैसे के आसपास है। तो हमको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ पेशेंस के साथ मार्केट पे वेट करना है। अगर हम पेशेंस के साथ इस पे वेट करेंगे, हमको आराम से ये लेवल के आसपास 350 रुपीज से लेकर 400 रुपीज के आसपास और ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी मार्केट 10,000 लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया है। तो चलिए, एक बार मैंने मेरी पोजिशन आप लोगों को शो कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो प्रीमियम है अभी 40 पैसा पे आके पहुंच चुका है। तो दोस्तों, टाइमिंग अगर आप देखोगे, टाइमिंग 1:35 चल रहा है, तो और 2 घंटे के आसपास हमको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 2 घंटे के अंदर ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी 10,000 लेवल से ऊपर चला गया है और आज मार्केट का ट्रेंड क्लियर अपवर्ड डिरेक्शन पे जा रहा है। इसलिए दोस्तों, 9,700 लेवल जो कि ये लेवल के आसपास आ रहा है, ये लेवल के आसपास आज मार्केट नहीं आएगा। तो ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम पक्का जीरो होगा और हम 8,500 के आसपास आराम से प्रॉफिट बुक करेंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपर ट्रेंड पता चलता है, हमेशा ट्रेंड वाइज ट्रेड कीजिए। और देखिए, एक्सपायरी पे ट्रेड करने का यही मजा होता है, अगर आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है तो आप आराम से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, अभी टाइमिंग अगर आप देखोगे, 3:06 के आसपास हो चुका है, और देखिए मार्केट अभी लगभग 10,085 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मैंने मेरी पोजीशन आपको शो कर देता हूँ। देखिए, ये जो प्रीमियम है, ये 5 पैसा 10 पैसा के आसपास ट्रेड कर रहा है,
और देखिए ये जो बीड एंड एक्स का प्राइस है ये 5 पैसा 10 पैसे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इससे जो ज़्यादा कम नहीं होगा तो मैंने ये लेवल के आसपास ये प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ और मैंने मेरी ग्रुप पे भी अपडेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया है और 8531.25 के आसपास आज हमारा प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों ये एक्चुअल ट्रेड है या मैंने इसी लेवल के आसपास कुछ एडिट किया है, चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके जान लेते हैं। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद ही ये सेम प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों मैंने और एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये 8531.25 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों मैंने ग्रुप पे भी अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कम हो चुका है। ठीक है दोस्तों ये था आज हमारा लाइव ट्रेडिंग, और ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।